पशुपालक भाइयों, आप सब कैसे हैं? सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी की बीमारियां आपके पशुओं पर धावा बोलेंगी जरूर, तो हम चाहते हैं कि आप इससे पहले सजग हो जाइए, अपने पशु के घरेलू इलाज का नुस्खा जानकर रखिए। अगर ऐसा दिक्कत आए तो आप तुरंत इलाज करा लीजिए, क्योंकि सर्दी की पहचान क्या है? सबसे पहले नाक का बहना, पशु का स्वस्थ हो जाना, आंख का लाल होना, लार तपकाना, ये सब सर्दी के लक्षण है। जब ऐसा कंडीशन आए तो अगर चारा पानी एकदम छोड़ दिया तब तो आपको डॉक्टर साहब को बुलवाना पड़ेगा, तब भाई बुलवाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल अवस्था में है, धीरे धीरे कम कर रहा है, आप पहचान गए हो, तो आप जरूर अपने घर पर इलाज कर लीजिए। तो हम क्या लेकर आए घरेलू नुस्खा, इससे पहले हम आपको बता दें, यह वीडियो जो हम आपके सामने देने जा रहे हैं जानकारी, कहीं सोशल मीडिया पर देखा था और हमने अपने पशुपालकों पर फील्ड में प्रयोग कराया और बहुत ही कारगर रहा, हमने सोचा क्यों ना आपको बता दूं। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए चलते हैं। सर्दी से बचने के लिए हमने पहचान बता दिया, इससे पहले बता दूं मैं हूं डॉक्टर अमित माझी, बैकपुर कर्मचारी। सर्दी से बचने के लिए हमने पहचान बता दिया, अब ऐसा लक्षण अगर आपको प्रतीत हो तो आपको क्या करना है और हम जो इलाज बताने जा रहे हैं आपके रसोई मिल जाएगा, आपके घर में मिल जाएगा, कहीं जाकर दूसरे यहाँ खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर में नहीं हो तो आपके गांव की दुकानों पर मिल जाएगा, आपके गांव की दुकानों पर, किराने की दुकानों पर मिल जाएगा। तो आपको क्या लेना है? हल्दी लेना है। क्या लेना? हल्दी। उसके बाद, और हल्दी कितना चाहिए? एक दिन में 20 ग्राम से ज्यादा नहीं। हल्दी लेना है 20 ग्राम। काली मिर्च लेना है 10-15 दाने, बहुत ज्यादा नहीं, 10-15 दाने लेना है। हल्दी 20 ग्राम, मिर्च 10-15 दाने, लहसुन 2-3 ले लीजिए। और लहसुन लेने के बाद अब समस्या उठती है, काम तो इसी का है लेकिन खाएगा कैसे? इसके लिए आप इसको पीस कर आटे में मिलाकर खिला दीजिए, या जो दाने थे उसको मिलाकर खिला दीजिए। लेकिन समय से यहाँ पर गुड़ता महक आता है, तब पशु नहीं खाता है, तो इससे पहले आप सावधान हो जाइए। आप ले लीजिए आधा किलो गुड़, कितना? आधा किलो 500 ग्राम गुड़ ले लीजिए, उसमें इसको मिला दीजिए। और इसको मिलाने के बाद आप पूरा खिला दीजिए। ऐसी प्रक्रिया 2 से 3 बार करने पर आपका पशु का सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि अगर पशु का टेम्परेचर थोड़ा बहुत हाई है, बुखार के अंश है, तो आपको एक काम और करना है, कम से कम एक अंग्रेजी दवा ले लीजिए जिसमें पैरासीटामॉल हो, निमोफ्लाइड हो, या कोई भी दर्द बुखार की दवा हो। आपको एंटीबायोटिक अन्य चीज नहीं लेना है, केवल यही ले लीजिए, क्योंकि हल्दी खुद एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक है, वो कवर कर लेता है, लहसुन भी अच्छी तरीके से काम करता है। तो आपको केवल जैसे दर्द बुखार की दवा मेलोनोमैक्स प्लस हुआ, सुमो हुआ, बुधफू हुआ, A3 हुआ, कोई भी आप ले लीजिए, बस वजन के हिसाब से 2-3 टाइम उसको भी खिला दीजिए। इतने में पशु स्वस्थ हो जाएगा और सर्दी जुकाम छोड़ देगा।